हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बड़े ही खूबसूरत शहर उदयपुर सिटी के बारे में। तो उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत शहर है तथा राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। उदयपुर को राजस्थान का मुकुट रत्न और पूर्व का वेनिस नाम से भी जाना जाता रहा है, जो चारों ओर से खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कभी ये उदयपुर जिला सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की शाही राजधानी रहा है, और माना यह भी जाता है कि सन 1558 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर को स्थापित किया था। यहाँ पर बने सफेद संगमरमर के महलों और उदयपुर में मौजूद कई झीलों के कारण चांद की रोशनी में देखने पर ये पूरा नगर किसी स्वर्ग जैसा लगता है। इस शहर में एक परस्पर झील प्रणाली भी है, जिसमें फतेहपुर झील, पिछोला झील और नूर तलाई झील शामिल है। उदयपुर अपने खूबसूरत होटल्स के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। वहीं पिछोला झील में मौजूद यहां का लेक पैलेस होटल एक हेरिटेज होटल है, जिसे आज ताज ग्रुप द्वारा चलाया जाता है, और इस होटल को भारत समेत दुनिया के सबसे रोमांटिक होटलों के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये होटल कभी सिसोदिया शासकों के लिए एक गर्मी के मौसम का महल हुआ करता था। और यदि हम उदयपुर शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो आज के समय में उदयपुर की कुल आबादी लगभग 7 लाख की मानी जाती है, जिसमें धार्मिक लिहाज से 72% हिंदू, 15% इस्लाम और लगभग 9% जैन समाज के लोग निवास करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि राणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनी हुई है, जो वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। वही उदयपुर की जय समंद झील या यूं कहे तो ढेबर झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का दर्जा प्राप्त है। उदयपुर भारत में कॉपर और जिंक के खनन के लिए भी प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां भारी मात्रा में जिंक और कॉपर जैसे धातुओं की माइनिंग होती है। अथवा वर्तमान समय में उदयपुर शहर की मुख्य अर्थव्यवस्था पर्यटन, खनिज और हस्तशिल्प उद्योग पर निर्भर करती है। यहाँ के लोग बड़े शांत स्वभाव के तथा मीठा बोलने वाले होते हैं, जो ज्यादातर हिंदी और मेवाड़ी जैसी भाषाएं बोलते हैं। यदि आप कभी उदयपुर आए तो यहाँ की यात्रा खाने के बिना तो कैसे ही पूरी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ का दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी थाली, गट्टे की सब्जी और नारंगी जलेबी जैसी कई व्यंजन स्वाद बखूबी चख सकते हैं। और अब जरा हम उदयपुर शहर के आवागमन की बात कर लेते हैं। तो उदयपुर रेल मार्ग, हवाई मार्ग तथा सड़क मार्ग, यानी कि इन तीनों ही माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उदयपुर में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर दबोक में स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहां का प्रमुख एयरपोर्ट है, जो इसे भारत समेत दुनिया के कई महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो यहां का उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 5 बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं तथा ये अहमदाबाद उदयपुर मेन लाइन पर स्थित है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं उदयपुर जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में पहले स्थान पर है पिछोला झील। वैसे तो ये एक कृत्रिम झील है, पर इसका प्राकृतिक दृश्य देखकर आपको ये किसी वास्तविक झील से कम नहीं लगेगी। यह संध्या के समय नाव की सवारी किए बिना आपकी ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि सवारी से आपको उदयपुर नगर का एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान पर है यहाँ का सिटी पैलेस। जी हाँ, पिछोला झील के किनारे बसे इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े आलिशान कमरे और हैंगिंग गार्डन आपको एक उच्च कोटि के राजघराने का एहसास कराएंगे। इस महल में रखी अद्भुत मूर्तियाँ और रंग बिरंगी तस्वीरें आपको नए ढंग से राजस्थान के इतिहास से परिचय कराएंगी। और हमारे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर की सरहद पर बसा ये महल एक समय पर मेवाड़ वंश का खानदानी स्थल हुआ करता था। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा, अथवा इस महल को अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बनाया गया था ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके, और यही कारण है कि इसे मानसून महल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर उदयपुर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।